हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा नया टॉपिक पे चर्चा करेंगे। ऋग्वेद संहिता हो चुकी, यजुर्वेद संहिता हो चुकी, अब बारी किसकी है? जी हाँ, सामवेद संहिता की। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए, क्योंकि बिना कॉपी पेन के अगर हम लिखेंगे नहीं तो हम भूल जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सामवेद। ठीक, सामवेद की संहिताओं का परिचय करेंगे, विवेचन करेंगे, व्याख्या करेंगे, सब एक ही बात है। ठीक, और पॉइंट टू पॉइंट करेंगे। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे और बहुत ही परीक्षा में उपयोगी है ये। अब वेद साहित्य में चार वेदों का नाम प्रमुख रूप से लिया जाता है। आपको पता है चार वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अब इन चारों वेदों का क्रम इसी रूप में है। सबसे पहले क्या आता है? ऋग्वेद आता है, फिर यजुर्वेद आता है, फिर सामवेद आता है, फिर अथर्ववेद आता है। ठीक है, अब सामवेद संहिता आदि का परिचय किस प्रकार है? विस्तार इस प्रकार से है। देखिए, सामवेद का सबसे पहले हम अर्थ जानेंगे। सामवेद का अर्थ होता है, अर्थात साम का अर्थ क्या होता है? साम का अर्थ होता है गान। ठीक है, अब अर्थात संहिताओं का सस्वर गायन, स्वर के साथ गायन, संहिताओं का ब्रह्मदार आरंडक, ब्रह्मदार जो हमारा कोपनिषद है, मैं साम की व्याख्या इस प्रकार की गई है। कैसे? साचा अमश्चेति तत् सामनः सामत्वम्। ठीक, सा ऋचा, धन अम क्या है? स्वर। ठीक, साम अर्थात जहां पर ऋग्वेद की ऋचाएं या फिर संहिताएं सस्वर गाई गई हो, वह साम है। ठीक है, वास्तव में यज्ञ करते समय उद्गाता जब मंत्रों का सस्वर गायन करता है, वे मंत्र सामदेव में आए हैं। ठीक है, सामवेद में, सॉरी, तो ये मंत्र सामवेद में आए हैं। अब हमारा दूसरा पॉइंट है सामवेद की संहिताएं। तो सामवेद की संहिताएं, सामवेद में सभी संहिताएं ऋग्वेद से आई हैं। कहां से आई हैं? ऋग्वेद से आई हैं। केवल 75 संहिताएं सामवेद की हैं, जो ऋग्वेद से अलग हैं, अर्थात भिन्न हैं, है ना, डिफरेंट है। अब इसी प्रकार सामवेद के विषय में कहा गया है, क्या सामानी या यो वेति सावेद तत्व। ठीक है, वेद के तत्व को ही समझ सकता है जो सामवेद को जानता है। तो मतलब क्या हो गया? सामवेद को जानना बहुत ही आवश्यक है। तो आइए जानते हैं, और हम वही को जान रहे हैं, वही सामवेद को हम जान रहे हैं। ठीक है, तो वेद के तत्व को वही समझ सकता है जो सामवेद को जानता है। ठीक है, अर्थात हम वेद के तत्व को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, तो जानकारी लेते हैं आगे। सामवेद की शाखाएं, नंबर हमारा तीसरा पॉइंट है ये। सामवेद की शाखाओं के विषय में आज भी निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता है। पुराणों में सामवेद की 1000 शाखाएं मानी गई हैं। कितनी? 1000। महर्षि पतंजलि ने भी लिखा है, क्या सहस्र वत्तर्मा सामवेदः। वस्तुतः 1000 शाखाओं के तो नाम भी प्राप्त नहीं है, 1000 शाखाओं के तो नाम भी नहीं पता, परंतु इतना अवश्य है कि सामवेद गायन प्रधान होने के कारण इसकी इतनी शाखाएं संभव हैं, क्योंकि गान के अनेक रूप संभव हैं। जैमिनी जो है हमारे, जैमिनी ने साम के 13 शाखाओं का उल्लेख अवश्य किया है, जिनमें 3 शाखाएं प्राप्त हैं। जैमिनी जी की 3 शाखाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं और ज्यादातर पेपर में देखने को मिलता है इस तरह का प्रश्न। कौथुम शाखा, रामायणीय शाखा, जैमिनीय शाखा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे कौथुम शाखा की। ठीक, कौथुम शाखा की यह सर्वाधिक लोकप्रिय है, ये बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। इस शाखा के अनुसार सामवेद संहिता के 2 भाग हैं। सामवेद संहिता के 2 भाग हैं, कौन कौन से? एक तो है पूर्वार्चिक और दूसरा है उत्तरार्चिक। अब आर्थिक, सॉरी, जो आर्चिक है, आर्चिक का अर्थ होता है क्या? ऋचा संबंधी। ठीक है, इसमें ऋचाएं ही हैं, बस ऋचाएं ही हैं। अब जो पूर्वार्चिक और उत्तरार्चिक
वार्षिक की हम बात कर रहे हैं तो पूर्ववार्षिक में 6 प्रपाठक हैं, पेन कॉपी से हैंड टू हैंड लिखते रहेंगे, ठीक है। तो पूर्ववार्षिक में 6 प्रपाठक हैं और प्रत्येक प्रपाठक में 2-2 अर्धखंड हैं। प्रत्येक अर्ध में दष्टि है और दष्टि का अर्थ क्या है, प्रत्येक खंड में दष्टि है, लेकिन दष्टि का अर्थ क्या होता है, दष्टि का अर्थ होता है दश ऋचाएं, ठीक है। अब प्रत्येक अर्ध में आवश्यक नहीं है कि सभी की 10 ऋचाएं हो, कहीं पर 11 तो कहीं पर ऋचाएं प्राप्त भी होती हैं, मतलब कहीं पर तो 11 और कहीं पर 9 ऋचाएं भी प्राप्त होती हैं। वास्तव में ये 10 देवता पर निर्भर करती है, ये 10 दिशाएं जो हैं, 10 ऋचाएं हैं जो, ये देवता पर निर्भर करती हैं। संपूर्ण पूर्ववार्षिक में कितने मंत्र हैं, संपूर्ण पूर्ववार्षिक में 650 मंत्रों की संख्या है। अब बात आती है हमारी उत्तरार्षिक की, उत्तरार्षिक इसमें 9 प्रपाठक है, कितने हैं 9, कहीं पर 2-2 प्रपाठक है और कहीं पर नहीं है। उत्तरार्चिक के संपूर्ण मंत्र कितने हैं, 1225। अतः पूर्ववार्षिक के मंत्र कितने बताए थे, 650। पिछला अध्ययन भी होते रहना चाहिए। पूर्ववार्षिक में मंत्रों की संख्या कितनी बताई थी, 650, और उत्तरार्चिक के मंत्र 1225। सामवेद के कुल मंत्र 1875, ठीक है, 1875। अब सुनिए चौथा पॉइंट, ऋग्वेद से प्रभावित क्या सामवेद की संहिता है, सामवेद ऋग्वेद से प्रभावित है, थैंक यू सॉरी, तो सामवेद ऋग्वेद से प्रभावित है। कुछ मंत्र सामवेद में ऐसे हैं जो शाकल शाखा में नहीं है। संपूर्ण रूप से कहा जा सकता है कि सामवेद की कुल शाखाएं 1771 और ऋग्वेद की शाखाएं 1504 और पुनरुक्त ऋचाएं हैं 2067, ठीक। सामवेद अपनी ऋचाएं उतनी कितनी है, सामवेद की अपनी जो ऋचाएं हैं वो हैं 99 और पुनरुक्त 99+5 99 + 5 कितने हो गए, 105, ठीक है। तो अपन एक लाइन खींच के बाजू में जोड़ कर सकते हैं, 1771 + 105 तो कितने हो गए, 1875, ठीक है। तो ये हो गया अपना 1875 सामवेद के कुल मंत्रों की संख्या, ठीक है। अब सामवेद में संगीत जो कि बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तो सारा ही है क्योंकि भाई वेद है ना, इसमें से कोई भी चीज अलग करने वाली नहीं है, सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सामवेद में संगीत, साम शब्द गति या गान के अर्थ में रूढ़ सा हो गया है, जैसा कि जैमिनी सूत्र में कहा गया है कि गीतिषु समाख्या, परंतु गीति या गान सामान्य नहीं है, यह एक विशेष पद्धति की गीति है, ऋषियों ने विशेष मंत्रों को लेकर गान किया है। सामवेद के गान 4 प्रकार के हैं, बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, सामवेद के गान कितने प्रकार के हैं, 4 प्रकार के, कौन कौन से, गे गान, आरण्य गान, ऊह गान, ऊहा गान, ठीक है। विभिन्न शाखाओं में इन गानों को अलग अलग रूप में प्रस्तुत किया है। जैमिनीय गान की संख्या सबसे अधिक है, सबसे ज्यादा गान कौन सी में है, जैमिनीय शाखा में। भारतीय संगीत शास्त्र का मूल इन्हीं साम गायनों पर आधारित है। इस विषय में आचार्य बलदेव उपाध्याय का कथन है कि भारतीय संगीत जितना सूक्ष्म बारीक और वैज्ञानिक है, वह संगीत के समझदारों से अपरिचित नहीं है, परंतु विद्वजनों की अवहेलना के कारण उनकी इतनी बड़ी दुरावस्था है ना, उनकी इतनी बड़ी दुरावस्था आजकल उपस्थित है कि उसके
मौलिक सिद्धांतों को समझना एक बड़ी विषम समस्या है। सांग गायक की पद्धति के रहस्य का ज्ञान भी उसी प्रकार दुरूह है। एक तो सांग गान के ज्ञाता बहुत ही कम है ना। एक तो क्या है, सांग गान के जो ज्ञाता है बहुत ही कैसे हैं, बहुत ही कम है। और फिर सांग गानों को ठीक स्वरों में गाने वालों की संख्या तो उंगली पर गिनी जा सकती है, इतने कम है। ठीक है, फिर भी साम गान के संगीतज्ञों का अभाव नहीं है। यदि गायक के गले में लोच है और वह उचित जो उचित तरह से ठीक तरह से मूर्छना आरोह अवरोह का विचार साम गायन करे तो विचित्र आनंद आता है। अगर ठीक तरीके से ये जो अपना है आरोह अवरोह ठीक तरह से किया जाए तो विचार कर सम गायन करे तो इसमें विचित्र ही आनंद आता है, अर्थात बहुत ही आनंद आता है। और यह साम मंत्रार्थ ना जानने वालों को, जो साम गायन को नहीं जानते उनके हृदयों को भी खींच लेता है। इतना अच्छा लगता है, इतना मन को लुभाने वाला लगता है साम गायन। इसके लिए सामवेदीय शिक्षाओं की आवश्यकता है। ठीक है, अब आता है हमारा पॉइंट 6 सामवेद का महत्व। सबसे लास्ट हमारा ये पूरा हो जाएगा फिर अपना सामवेद। तो सामवेद का महत्व, सामवेद भले ही ऋग्वेद का भाग रहा है, ठीक है, ऋग्वेद से पूर्ववर्ती रहा हो, इतना निश्चित है कि यह वेद गायन कला का विशेषज्ञ है। कहा जाता है कि सामवेद के पूर्वार्चिक के द्वारा सामवेदज्ञ संगीत की शिक्षा प्राप्त करता है और पुनः उत्तरार्चिक को याद करके वह यज्ञ के समय गाता है। यही कारण है कि उत्तरार्चिक में कितने स्तोत्र हैं, 400। और नारद शिक्षा के अनुसार सामवेद के 7 स्वर, 3 ग्राम, 31 मूर्छना और 49 तान है। वास्तव में सांग गान की पद्धति बहुत ही कठिन है, इसको गाना कोई आसान बात नहीं है, है ना। और इसकी ठीक जानकारी के लिए सूक्ष्म अध्ययन और निरंतर अभ्यास की आवश्यकता है। सांग गायन जितना मनोरम आकर्षक और चित्त आहारी है उतना गायन कहीं नहीं मिलता। संगीत का मूल आधार क्या है, साम। संगीत का मूल आधार है साम। और भारतीय परंपरा में जितना भी संगीत प्राप्त है वह कहीं ना कहीं साम पर ही आधारित है। गायन जो आधार क्या है इसका, साम ही है। साम के गायन की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, तो साम के गायन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि श्रोता भाव विभोर हो जाते थे। जब साम गायन सुनते थे तो एकदम ही क्या अपनी सुधबुद भूल जाते थे, भाव विभोर हो जाते थे, वे संगीत से नाच उठते थे, इतने खुश हो जाते थे। लेकिन वो आरोह और अवरोह के द्वारा जब गाया जाता है उन्हें अर्थ का भी ज्ञान होने लगता था, है ना, हैंड टू हैंड उनको अर्थ का भी ज्ञान होने लगता था। यही कारण है कि भारतीय प्राचीन परंपरा में काव्य या गीत या स्तोत्र अधिक प्राप्त है, गद्य भाग कम प्राप्त होता है, जबकि मानव बोलचाल में गद्य का प्रयोग करता है। ठीक है, बोलचाल में हम ज्यादातर क्या है, गद्य का प्रयोग करते हैं, करता है। इसका मूल कारण क्या है, साम का प्रभाव ही रहा है। ठीक है, तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है आप सभी को ये टॉपिक बहुत पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें, है ना, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, है ना, जिससे कि सभी को इस वीडियो का ज्ञान प्राप्त हो, सभी को जानकारी मिले। जिसको जानकारी है बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं है हो सकता है किसी के बहुत ज़्यादा काम उसकी तलाश में हो और आप उसको वहाँ तक पहुँचा दें। ठीक है, चाहे अपने नोट्स दे देना या वीडियो फॉरवर्ड कर देना, एज यू विश, जैसा भी आप चाहें।
ठीक है, तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में अथर्ववेद संहिताओं के साथ, ठीक है। अथर्ववेद संहिता का विवेचन करेंगे, व्याख्या करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट उसके बारे में समझेंगे, ठीक है। तो पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और चैनल पर बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, जिससे कि हमारा भी मनोबल बढ़े और हमारा भी इंटरेस्ट आए, ठीक है, और ज़्यादा इंटरेस्ट आए। वैसे हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, आप भी पढ़िए, सीखिए, नोट्स बनाइए और परीक्षा में सफल होइए। धन्यवाद।